रिएक मिजोरम की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। आइजवाल से करीब 2 घंटे दूर बसा ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। और अगर ये काफी नहीं तो 2023 में रिएक को इंडिया के बेस्ट टूरिज्म विलेजेस का गोल्ड अवार्ड भी मिला था। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मिजोरम के एक बहुत ही खूबसूरत गांव से। गांव क्या ना, एक्चुअली तो और है क्योंकि अभी मैं पहाड़ के ऊपर बैठा हूँ और गांव तो कहीं दूर नीचे है। जिस पीक पे मैं बैठा हूँ, इस पीक पे मॉर्निंग में जो व्यू होता है, इट्स अनबिलीवेबल। पर उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी जर्नी की, जो आइजवाल से शुरू हुई और फिर हमें यहाँ धीरे धीरे इस पहाड़ की चोटी पे लेके आई। अभी हम रिएक्ट के रास्ते में हैं और यहाँ रास्ते में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ब्रिज है और बहुत इंटरेस्टिंग सी रिवर है जिसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। तो दिस इज क्लॉन्ग रिवर। क्लॉन्ग रिवर बेसिकली पानी का सोर्स है आइजवाल शहर के लिए। मेन पानी पीने का यहीं से आता है, पर इस नदी की कहानी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है। हम जहाँ जा रहे हैं रिएक्ट पीक है, तो माना जाता है कि क्लॉन्ग रिवर वहाँ से पास करना चाहती थी और पीक ने उसको मना कर दिया। तो नदी बहुत गुस्सा हो गई और बहुत गुस्सा होकर बड़ा सा रूप ले लिया उसने। उसने कहा कि तुमने मुझे पास नहीं करने दिया, सो उसका बदला लेने के लिए मैं हर साल आई टेक वन बॉडी। सो तब से अब तक एवरी ईयर एटलीस्ट 1 पर्सन डाइज। सो या एंग्री रिवर, इट्स ऑल्सो प्रीटी ब्यूटीफुल रिवर हियर। सो मिनी ब्रेक ऑन द वे, ऐसा लग रहा है कि शायद गाड़ी का कूलेंट लीक कर रहा है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। एंड सो वी गोना सॉर्ट दैट आउट, कूलेंट प्रॉब्लम। सो एक और चीज़ जो बहुत सही लगी मुझे मिजोरम में कि हमारी गाड़ियाँ ख़राब है और बहुत सारे लोग रुक रहे हैं रास्ते में जो हमारी मदद करने के लिए रुक रहे हैं। सो पहले एक 2-व्हीलर टैक्सी वाले रुके, देन वी हैव समबडी एल्स इन द कार हु स्टॉप बाय टू हेल्प अस। सो दैट्स क्वाइट नाइस। ऑल राइट, सो लुक्स लाइक वी आर सॉर्टेड फॉर नाउ। आगे जाके पता चलेगा अगर कोई और दिक्कत आती है तो। सो अभी हम नेक्स्ट जा रहे हैं अपनी पहली एक्सप्लोरेशन के लिए। यहाँ पर दीजा वाटरफॉल्स, काफ़ी सुंदर वाटरफॉल्स हैं। यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं। सो आप देखिए मैं स्विमिंग ट्रंक्स अलॉन्ग। इस जगह का नाम कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स कॉल्ड ट्यूसन वाटरफॉल्स एंड या इट जस्ट मीन्स वेट वाटर आई थिंक, समथिंग लाइक दैट। थोड़ी सी हाइक है, अभी डाउन हिल जाना है, बाद में हमें चल के ऊपर आना है। सो मज़ा आने वाला है, पर पानी ठंडा हो सकता है। लेट्स सी अगर मैं हिम्मत करता हूँ पानी में छप छप करने की। Let's see how that goes. तो यहाँ आने के लिए पहले आपको एक यहाँ पे एक पार्किंग एरिया है, वहाँ पे आना पड़ता है। वहाँ अपनी गाड़ी छोड़ सकते हैं, बाइक छोड़ सकते हैं और उसके आगे करीब आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इज़ द वॉक, मे बी आधा घंटे की वॉक है और फिर हम उस वाटरफॉल पहुँचेंगे। इट लुक्स वेरी इंस्टाग्रामेबल। सो ये नीचे जाने का रास्ता बहुत ही स्टीप है, एक्चुअली बिल्कुल ही डाउनहिल है बैम्बू फॉरेस्ट के थ्रू। नीचे जाना तो ठीक है, मज़ा आएगा ऊपर आते वक्त जब इसका ना भी फन ट्रैवल में यही होता है, बिना जिम के भी बहुत सारा वर्कआउट। सॉफ्ट ग्रास मेक्स इट सुपर स्लिपरी। सो एक और टिप, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं वाटरफॉल्स में, खुद मत आइए। बहुत अच्छा होगा अगर आपके साथ कोई लोकल गाइड है जो आपको रास्ता दिखा सके, क्योंकि रास्ता ऑब्वियस नहीं है और बहुत सारी जगह हम रिवर को स्किप करके बगल के पहाड़ से चढ़ के जा रहे हैं, बिकॉज इट्स लेस स्लिपरी, द रिवर इज़ वेरी स्लिपरी। मानसून ख़त्म हो चुका है काफ़ी समय पहले, पर फिर भी काफ़ी स्लिपरी है। सो कम विद अ गाइड, दैट्स माय बिग टिप। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट हाफ वे मार्क पे आ गए हैं, करीब 20 मिनट चल चुके हैं और आगे 15 मिनट और चलना है। हाउ यू फीलिंग स्टीवन? आई एम सिक ऑफ इट नाउ। ही इज ऑलरेडी सिक। ये थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान हो गया, हम पूरा वाटरफॉल तक नहीं जा रहे हैं। वाटरफॉल एक्चुअली यहाँ से करीब 1.25 किलोमीटर और दूर है और अगर हम वहाँ जाएंगे तो अपनी कैंप साइट के लिए बहुत लेट हो जाएंगे। इट्स ऑलमोस्ट 1:45 राइट नाउ। सो वी हेडिंग बैक नाउ, बट इट्स अ बिट सैड कि वाटरफॉल नहीं जा रहे हैं। द मेन अट्रैक्शन ऑफ कमिंग हेयर वॉज द वाटरफॉल, पर कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मे बी इसका मतलब ये है कि मुझे दोबारा आना पड़ेगा मिजोरम में वाटरफॉल्स में जाने के लिए,
For now, it's time to head back and take a swim and then walk back. It's gotta be nice. 20,000 steps today, I think. Alright, so finally, waterfall to nahi gaye, par hum log swimming ke liye piche ek natural pool hai, wahan ja rahe hain. Pani, of course, thanda hone wala hai, so it's gonna be nice. She almost got drowned here. No. Then we must get safe. Swimming done, और अभी हम गीले कपड़ों के साथ वापस चढ़ाई शुरू करने वाले हैं. It's gonna be a fun walk backwards because it's very steep, but very refreshed. काफी अच्छा लग रहा है ठंडे ठंडे पानी में नहा के. तो अभी हम नेक्स्ट एक छोटे से वॉक के लिए जा रहे हैं फार्म में जो वाटरफॉल के पास ही है. सो थोड़ा सा यहाँ की लोकल सब्जियाँ वब्जियाँ अगर देखते हैं और देन वील हेड ऑफ टूवर्ड्स रिएक. Hello. Thank you. Hi. What's your name? Jacob. It's nice. बहुत ही इंटरेस्टिंग मीज़ो मील बन रहा है हमारे साथ यहाँ पे. और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि सब आदमी लोग खाना बना रहे हैं, औरतें बिल्कुल भी नहीं है. हमारा यहाँ पे बन रहा है पोक. पोक का हेड एक्चुअली कुक किया जा रहा है, जो बहुत स्पेशल होता है. अगर आपको ऑफ़र किया जाए एज अ गेस्ट तो आप थोड़ा प्रिविलेज फील कर सकते हैं जो हमें ऑफ़र किया गया है, पर हम खा नहीं सकते ऑफकोर्स. उसके साथ साथ यहाँ पे चिकन है, मैं वो भी नहीं खा सकता. फिर राइस है और आंवला, जो इकलौती चीज़ है जो मैं खा सकता हूँ. सो नाइस. We had a lot of contacts. All right, so finally हम लोग रिएक पहुंच गए. कुछ थोड़ा सा लेट हो गए, बट वी आर टेकिंग अ स्मॉल मील ब्रेक. लंच ब्रेक नहीं कह सकते इसको. और उसके बाद हम लोग अपनी ट्रैक शुरू कर देंगे. यहाँ पे कई सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शन हैं, वेज ऑप्शन भी हैं. सो वी आर हैविंग वेज पुलाव जैसा कुछ है एंड सम नूडल्स एंड देन कॉफी विद इट. लुक्स वेरी गुड. छोटा सा जाके सन इज सेटिंग एंड देयर इज अ स्मॉल चेंज इन प्लान. हम लोग अभी रिएक पीक पे सनसेट देखने के लिए नहीं जा रहे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया यहाँ पहुंचने में. तो हम लोग रिएक के पास एक दूसरा सनसेट वॉचिंग पॉइंट है, वहाँ पर आ गए. एंड इट लुक्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल. आई कैन सी द सन राइट देयर एंड आई कैन सी ऑल्सो पीपल सॉर्ट ऑफ हाइकिंग बिहाइंड मी अप देयर. तो सनसेट तो अच्छा था और अभी हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं. यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं घूमने के लिए हमारे तरह ही एंड दे हैव ऑफर्ड अस सम नाइस चाय. सो चाय टाइम नेक्स्ट. व्हाट टी इज इट? व्हाट डू यू कॉल इट? पान. इट्स कॉल्ड पान. पान? यस. ओके. इट्स अ लोकल टी. या इट्स अ आई थिंक इट्स अ ओरिजिनल इज अ बर्मीज, राइट? बर्मीज, यस. एक्चुअली टी इज रियली गुड टू हैव राइट नाउ क्योंकि मौसम ठंडा होता जा रहा है और हवा भी बढ़ती जा रही है. सो परफेक्ट थिंग. It's so good, so satisfying. And no more time to have to be gone. Yeah. Keep on, keep driving. रिएक्ट आए तो वहाँ काफी फेस्टिव माहौल मिला. बहुत से यंगस्टर्स क्रिसमस वेकेशन मनाने के लिए यहाँ आ गए थे और पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे. फाइनली स्टार्टिंग आवर जर्नी. अभी कुछ 6:30 जैसा टाइम हो रहा है और अब हम लोग ऊपर चलना स्टार्ट करने वाले हैं टू कैंप एंड देन टू कुक.
And then to, of course, make some merry. Our original plan was that we will reach the sunset. But this is new and this looks actually quite fun. Let's see how it's going to go. Now it's about 45 minutes. Maybe it's more dark, so it can take a little time. Yeah, let me show you how much maize is getting. Both of this. Just him. Okay, so we're taking the first step here to stop. And there's so much luggage to be carried. There's a lot of stuff. We haven't even reached the main road. We're going to go very far. It's dark and we're alone. There are two options for staying up here. So you can go to the main side, where all people are living, you can camp there. The other side is the east side, which very few people go to. Our original plan was to go there, but then now we are going to the busy side. हो सकता है बहुत भीड़ हो, but we'll still have fun. All right, so हम पहाड़ के ऊपर तो पहुंच गए, बहुत मेहनत से, मशक्कत से. पर यहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं, जितना मुझे लग रहा था. सब नीचे हमें वार्न करते कि बहुत लोग हैं. अब तक 4-5 क्लस्टर्स मिले लोगों के. और अभी हम ढूंढ रहे हैं अपना स्पॉट जहाँ पे हम जाके अपना कैंप गाड़ सकते हैं और फिर कुकिंग वगैरह शुरू करेंगे. So we found a spot and the next step is to set up our tent. Alright, so tent हमारा ready हो चुका है. Next step is sleeping bag को अंदर organize करना. And that's it. सोने की तैयारी. This is all you need. पर इसके पहले ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है खाना खाना. So ये सब ready हो गया. दोनों tents ready हो जाएंगे. उसके बाद हम थोड़ा खाना बनाएंगे and then we'll eat that. फिर क्या था? हम सब ने मिलके bonfire जलाई, स्वादिष्ट खाना खाया और रात को करीब 1 बजे सो गए. All right, Suprabhat. सुबह के कुछ 5:15 बजे और मैं उठ गया हूँ sunrise देखने के लिए. I can hear a lot of music, lot of people laughing and singing. Actually, पूरी रात शायद यही हो रहा था. So yeah, काफी माहौल सा बन चुका है. This is the view of where the sunrise would be. वहाँ पे वो Aizawl है और उधर कहीं sunrise होने वाला है. मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ कि ये सनराइज़ इस साल का सबसे खूबसूरत सनराइज़ था और बहुत अच्छा लग रहा है. ऊपर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं. पर एक और चीज़ जो स्टैंड आउट करी मेरे लिए वो है कि हमने रात को यहाँ पे कुकिंग की, हमने काफ़ी कैंपिंग की, बहुत लोगों ने कैंपिंग की और बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया था. आई वाज वंडरिंग कि ये कैसे साफ होगा, हम कितना सारा सामान नीचे लेके जाएंगे. बट आई जस्ट सॉ दीस टू गाइज एक्चुअली क्लीनिंग अप. दे आर डूइंग इट लाइक As if they're supposed to do it. वो अपने साथ garbage bags लेके आए और उसके साथ सफाई कर रहे हैं और कचरा इकट्ठा कर रहे हैं. This is a good system. तो मैंने just उनसे अभी थोड़ी सी बात की. वो मुझे बता रहे थे कि हफ्ते में वो 2 बार आते हैं ऊपर यहाँ पे सफाई करने के लिए. So today is one of those 2 days. और सारा कचरा लेके जाते हैं नीचे. तो अगर आप यहाँ पर हाइकिंग के लिए आते हैं then the recommended thing is कि आप of course अपना कचरा साथ में नहीं लेके जाते तो एटलीस्ट इकट्ठा करके डस्टबिन में रख दीजिए. Somebody will come and take care of it for you. The best thing is, of course, to take it yourself. खुद ही लेके जाना चाहिए नीचे. तो रात को तो मैं कैंपिंग वाला एरिया आपको अच्छे से दिखा नहीं पाया. But that is my tent. और वहाँ पे हमने कुकिंग किया था. वहाँ पे पीछे दूसरा टेंट जो है, वहाँ पे हमारे जो गाइड हैं, वो रहे थे. अभी नेक्स्ट प्लान मुझे लग रहा है कि ये करना चाहिए कि जाके थोड़ी चाय बनानी चाहिए क्योंकि माहौल इतना अच्छा है और थोड़ी स्वादिष्ट चाय पीनी चाहिए. एंड उसके बाद नाश्ता.
उसके बाद एक एडवेंचर स्पोर्ट का प्लान है आज. लेट्स सी हाउ दैट गोज. लुक्स अ बिट स्कैरी बट कर लेते हैं. ये भी कर लेते हैं. सेफली है यहाँ पे है इतना दूर तो मज़ा लेके ही जाते हैं. अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो मेरे पास थोड़े से टिप्स हैं आपके लिए. जब हम यहाँ पर आए थे सबसे पहले मेरे दोस्त ने मुझे एक्चुअली कहा था जो पहले यहाँ पे आ चुका था कि तुम कैंपिंग कर लो बहुत अच्छा रहता है बहुत अच्छे व्यूज़ होते हैं और बहुत मज़ा आता है. बट आई हैड नो आइडिया कि कैंपिंग करना कैसे. क्या मैं अपने साथ बैंगलोर से इक्विपमेंट लेके आऊँ या यहाँ पर आके मैं रेंट कर सकता हूँ. आई फिगर्ड आउट कि रेंटल पॉसिबल है बट आई कुड नॉट फिगर आउट कि उसके अलावा नेक्स्ट क्या स्टेप है. मतलब Aizawl से रेंटल अगर हो गया तो आप आएंगे कैसे यहाँ तक. कहाँ पर पार्क करना है. आपके यहाँ पे कैंपिंग स्पॉट्स हैं. मतलब खाने का क्या होता है. हैड नो क्लू. बहुत खोजबीन करने के बाद एक ट्रैवल एजेंसी मिली मुझे द कैंप है जिसका नाम जो Aizawl बेस्ड है और यहाँ बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराते हैं. एंड आई एम सो थैंकफुल मैं उनको मिला क्योंकि उनके बिना तो ये ट्रिप हो ही नहीं पाता. हमने दो दिन का प्लान बनाया जिसका हाईलाइट है इस पहाड़ के ऊपर आके कैंपिंग करना सनराइज़ देखना कुकिंग करना और या जस्ट इस जगह की वाइब को पूरी तरह से एब्जॉर्ब और इन्जॉय करना. तो कैंप को जो रन करते हैं उनका नाम क्रिस्टीना है. मैं उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और आप उनको कॉन्टैक्ट कर लें और आप उनको बता दें कि आपको सब कुछ ऑर्गेनाइज करवाना है अपनी ट्रिप का. सो दे विल गेट यू अ कार. वो गाइड ड्राइवर सब होगा आपके साथ. वो खाना भी खरीद के लाएंगे. वो कैंपिंग का सारा इक्विपमेंट कुकिंग का इक्विपमेंट सब कुछ लेके आएंगे. आपको उनके साथ आना है और यहाँ इन्जॉय करना है. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड भैया. मैंने उनको फुल फी पे किया है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी डाल दूंगा. आप उनके साथ डिस्कस नेगोशिएट कर सकते हैं क्योंकि जो जो आप एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं उसके हिसाब से फ़ी डिपेंड करती है. तो हम तो काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो फ़ी ज़्यादा है. बट अगर आप कम करें तो कम भी हो सकती है. सो इट्स अप टू यू. बट स्पीक टू देम. उनके प्लान समझ लीजिए एंड देन टेक द वन दैट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. सो अभी सुबह के 9:15 बजे हैं और समय हो चुका है हमारी दूसरी एक्टिविटी का सबसे एडवेंचरस एक्टिविटी का और उसके लिए हम लोग फिर से पीक पे आ गए. एक्चुअली जितने भी लोग यहाँ थे कल रात को आज सुबह सब जा चुके हैं ऑलमोस्ट सब. एक वहाँ टेंट दिख रहा है मुझे दूर. आई एम नॉट सो गुड विद हाइट सो इट्स गोना बी मोर फन बिकॉज ये एक्टिविटी बिल्कुल हाइट वाली है. हम लोग रैपलिंग करने वाले हैं. इट्स अबाउट 70-80 meters का फॉल तो काफ़ी अच्छा खासा फॉल है और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो काफ़ी डरावना ऑलरेडी लगता है. बट या लेट्स सी हाउ दिस गोस. शुड बी फन. सो व्हाट ऑल डू यू नीड टू डू टू सेट अप. एनीथिंग टू रॉक्स. Looks like deceptively less stuff. ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है. I'm even scared to look down. All right, तो अभी मोमेंट आ गया है नीचे जाने का. द फर्स्ट पार्ट इज एक्चुअली क्वाइट स्केरी. ऐसा लगता है सडन जंप है पीछे. यू हैव टू लेट गो ऑफ योर फियर एंड जस्ट फॉल बैक. आई डोंट नो हाउ विल आई डू दैट. जल्दी खत्म हो गया. ओवरकमिंग माय फियर्स. ओवरकमिंग द फियर ऑफ हाइट. दैट्स अ पेनफुल टास्क. इट वाज प्रीटी स्केरी इन द बिगनिंग. जब एच पे व्हेन यू हैव टू लेट गो यू कांट लेट गो. फिर हमने चोटी पे ही नाश्ता किया और निकल गए रिएक गांव की तरफ. तो थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस ऑफ प्लेसेस टू स्टे. अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं रिएक में तो यहाँ पे एक टूरिस्ट लॉज है जो गवर्नमेंट टूरिस्ट लॉज है. वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. मैं अभी वहीं पे रुका हूँ. इट्स अ डिसेंट प्लेस. एक रूम का कॉस्ट है 800 रुपये. अगर कॉटेज लेते हैं तो 1000 फॉर वन नाइट. उसके अलावा यहाँ पे दो और होटल्स हैं जो जस्ट इस लॉज के बाहर ही है. एक का नाम है ग्रीन व्यू विच इज़ क्वाइट नाइस एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड ड्रीम लैंड. वहाँ पे भी सिमिलर रेट्स वाले ही आपको रूम्स मिल जाएंगे 1000-1000 रुपये पर नाइट. एंड आई थिंक इनमें से कोई भी आप लेना चाहें ले सकते हैं. जो कॉटेज है वो अच्छा है बड़ा सा एरिया उसके आसपास. पर एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे खाना इज़ नॉट सो गुड. यहाँ पे किचन है बट इट्स अ वेरी डिसफंक्शनल काइंड ऑफ किचन. हमें चाय पानी के लिए बोला और नीचे जाके ले लो और नीचे बेसिकली वहीं से लो जहाँ पे ये बाकी के कॉटेजेस हैं. सो आप मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आप अच्छे से खाने वाला भी आसपास चाहते हैं तो ड्रीम लैंड या ग्रीन हिल बोथ ऑफ दीज आर गुड ऑप्शंस. आप वहाँ पे रुक सकते हैं. सो यहाँ पे टूरिस्ट लॉज के पास ही एक मिजो विलेज भी है. बेसिकली मिजो हेरिटेज विलेज. तो नेक्स्ट हम वहीं जा रहे हैं. थोड़ा विलेज लाइफ देख लेते हैं. ऑफकोर्स ये रिकन्स्ट्रक्टेड विलेज लाइफ है तो वो देखते हैं. एंड देन विल सी व्हाट एल्स.
काफी इंटरेस्टिंग था यहाँ पे पूरा विलेज बिल्ड किया एंड इट्स बिल्ड द वे इट यूज्ड टू बी बैक इन द डेज. तो मेरे पीछे लालेन है, ये चीफ का जो घर होता था उसको कहते हैं लालेन. और अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, एक खंबा है, बड़ा खंबा. तो क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर आपने किसी की गलती से हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, तो आपको इमीडिएटली आना है और इस खंबे को गले लगा लेना है. और वो बेसिकली रिपेंटेंस की तरह था, आप माफ़ी मांग रहे हो तो आपके सारे के सारे पाप से आपको मुक्ति मिल जाएगी. और एक डाउनसाइड उसका ये था कि आप एक दिन के लिए चीफ के स्लेव बन जाओगे, तो चीफ आपसे जो चाहे वो काम करवा सकता है. अभी मैंने पहना हुआ ये कॉन्ट्रैप्शन पानी कैरी करने के लिए, तो नदी में लोग जाके पानी लेते थे. दिस इज समथिंग दैट मैन वुड वेयर. तो ये बैम्बू का जो शूट है इसके अंदर पानी भरते थे. और यू पुट मैनी ऑफ दीज वेसल्स पीछे, यहाँ पे आप जितने भर सकते हैं भर लें. ये अभी बिल्कुल खाली है फिर भी इसमें डिसेंट वेट है. एंड देन यू हैव शोल्डर सपोर्ट या लकड़ी का, यू टेक सपोर्ट फ्रॉम योर हेड एंड देन यू वॉक. बट गुड थिंग इज कि यहाँ पे महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है. सो या दैट्स इंटरेस्टिंग दैट दिस इज फॉर मैन, दिस इज डिफरेंट वन फॉर वुमेन. सो अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये जो हमारे पीछे घर है, ये कॉमन आदमी का घर है, मतलब मेरे और आपके जैसे आदमियों का घर है और औरतों का घर है. यहाँ पे सिंपल फैमिलीज रहती थी जो मतलब रूलिंग क्लैन से नहीं है या जो थोड़े पावरफुल लोग नहीं है, वो लोग यहाँ रहते थे. यहाँ डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं दो, एक तो यहाँ पे कोई विंडो नहीं है और बैकडोर भी नहीं है. हमेशा से ही सोसाइटी में हायरार्की रही है मेरे ख्याल से, तभी भी थी अभी भी है. थोड़ा आराम करने के बाद हम निकल पड़े अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, लेसांग कुरुंग. ये रियाक से आइजवाल जाने के रास्ते में है. पहले आपको ड्राइव करके जाना पड़ेगा और पार्किंग में अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद है एक छोटी सी हाइक. लेसांग कुरुंग एक कैनियन है और यहाँ आने का रास्ता कुछ खास मुश्किल नहीं है, एक्सेप्ट द लास्ट पार्ट जो थोड़ा सा स्लिपरी हो सकता है. मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज ये रिएक्ट से वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा. मुझे तो बहुत मजा आया घूमने में. अगर वीडियो अच्छा लगा तो YouTube पे प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स भी कीजिए. और फाइनली अगर आप मेरी ट्रैवल जर्नीज को ऐसे ही फॉलो करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, बिकॉज दैट रियली हेल्प्स मी एंड दैट ऑल्सो इंस्पायर्स मी टू ट्रैवल इवन मोर. पर अभी समय हो गया है नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाने का, तो यहाँ से गुड बाय, सी यू वेरी सून.